चैनल मेडिकल एंड नर्सेस तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट की आंसर की जो कि आज पेपर हुआ था सीएचओ का एमपी सीएचओ का तो सेकंड शिफ्ट के एटलीस्ट फोर्टी और फिफ्टी प्लस क्वेश्चन मिले हैं मुझे और आपको जो भी क्वेश्चन पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम अदर कैंडिडेट पेपर दें तो उनको हेल्पफुल रहे तो यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मिले थे उसमें कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए थे थर्टी सेवन क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे तो कुछ क्वेश्चन और मेरे पास आए हैं तो यहाँ पर हम वो डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव से देखिए फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट यहाँ पर मिक्स हो गए हैं सेकेंड शिफ्ट के फोर्टी चालीस से ज़्यादा क्वेश्चन है और जो फर्स्ट शिफ्ट रही उसके 50 तो रह है उसके पचास से ज़्यादा क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट शिफ्ट के पेपर डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव से देखिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन रह गए हैं तो क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज गिवन बाय विच रूट तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो किस रूट से दी जाती है तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन किया जाता है वायदा इंट्रामस्कुलर रूट में कहाँ पर इंट्रामस्कुलर रूट में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एट द बर्थ दी जाती है एंड देन पेंटावेलेंट वैक्सीन में हो जाती है सिक्स वीक टेन वीक एंड फोर्टीन वीक में नेक्स्ट आता है इन प्रेगनेंसी पिगमेंटेशन इज सीन ऑन फेस चीक्स एंड नोज इट्स कॉल्ड द मिलाजमा प्रेग्नेंट स्टेज में फेस पर चीक्स पर फोरहेड पर नोज पर जो पिगमेंटेशन देखने को मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं कहलाते हैं मिलाजमा सॉरी <laughs> तो क्या कहलाते हैं मिलाजमा जब प्रेगनेंट स्टेज में इस तरीके से कंडीशन हो रही है तो मिलाजमा और जब ये नॉर्मली आफ्टर प्रेगनेंसी या नॉन प्रेगनेंट स्टेज में होती है तो कहलाते हैं कोलाजमा राइट नेक्स्ट स्टडी ऑफ एटमोसफियर तो वातावरण की और एटमॉस्फेयर की स्टडी क्या कहलाती है मेट्रोलॉजी क्या कहलाती है मेट्रोलॉजी नेक्स्ट इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी ड्रग एब्जॉर्पन इज टेक प्लेस तो मोस्टली जो जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनका एब्जॉर्प्सन कहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली ड्रग्स का तो यहाँ पर क्वेश्चन के ऑप्शन पता नहीं है कुछ कुछ क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है यदि मेटाबॉलिज्म पूछते तो हम लिवर कहते बट यहाँ पर एब्जॉर्प्शन पूछा है तो मोस्टली ड्रग कहाँ पर ऑब्जर्व होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में नेक्स्ट है वट इज़ द पीरियड ऑफ टाइम वेन अ पर्सन इज इन्फेक्टेड एंड सो और अपीयर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ डिसीज़ तो वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है जब कोई पर्सन किसी इन्फेक्शन हो रहा हो उसको और वो उसकी बॉडी फर्स्ट साइन एंड सिम्टम शो करती है तो वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है इनक्यूबेशन पीरियड नेक्स्ट है ट्वेंटी वीक ऑफ प्रेगनेंसी यूट्रस रिच सब टू तो बीस वीक की प्रेगनेंसी में यूट्रस कहाँ तक पहुँच जाती है अम्ब्लाइकस तक अम्बलाइकस तक ट्वेंटी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में यूट्रस पहुँच जाती है नेक्स्ट है वॉट इज कॉल्ड वेन द बर्थ रेट इज हायर देन द डेथ रेट तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा पॉपुलेशन मोमेंटम जब बर्थ रेट ज़्यादा हो किससे डेथ रेट से मृत्यु दर से ज़्यादा हो क्या जन्मदर वो so, सिचुएशन क्या कहलाती है पॉपुलेशन मोमेंटम नेक्स्ट व्हाट इज द ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या है हीमोफीलिया नेक्स्ट है पॉपुलेशन व्हेन दैट इन्फेक्शन इज कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड एट अ बेसलाइन लेवल इन अ जियोग्राफिक एरिया विदाउट एक्सटर्नल इनपुट्स तो ऐसा इन्फेक्शन जो कॉन्सटेंटली एक ही जगह पर मेंटेन है किसी दूसरी जगह को अफेक्ट नहीं कर रहा है बेसलाइन लेवल तक है तो वो क्या कहलाएगा एंडमिक नेक्स्ट आया था व्हाट इज एन सॉरी एन तो ये नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज़ कार्डोवेस्कर डिसीज एंड स्ट्रोक तो ये क्या है नेशनल प्रोग्राम है जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं जैसे कि कैंसर डायबिटीज़ कार्डोवेस्कर डिसीज और स्ट्रोक के लिए नेक्स्ट है यहाँ पर विच डिसीज़ इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड एक्सेप्ट तो यहाँ पर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आया था इसलिए इसके ऑप्शन पता नहीं है नेक्स्ट आया था हाउ मेनी डिसीज आर इंक्लूडेड इन वैक्टरबॉर्न प्रोग्राम तो नेशनल कंट्रोल फॉर वैक्टरबॉर्न प्रोग्राम में टोटल सिक्स डिसीज इंक्लूड की गई हैं मलेरिया डेंगू लिम्फेटिक फाइलेरिया सेस कालाजार जैपनीज इंसफ्लाइटिसन चिकनगुनिया तो टोटल कितनी डिसीज इंक्लूड की गई हैं सिक्स क्या क्या नाम है उनके मलेरिया डेंगू लिम्फेटिक फाइलेरिया सेस कालाजार जैपनीज इंसफ्लाइटिसन चिकनगुनिया नेक्स्ट है ऑल आर वैरियर मैथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट तो सभी वैरियर मैथड है कॉन्ट्रासेप्शन की किसी एक को छोड़कर तो वेरियर मैथड के नाम यहाँ पर लिखे हुए जो एक्सेप्ट में आई होगी वेरियर मैथड नहीं होगी वैरियर मैथड में आता है डायफ्राम सर्वाइकल कैप मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम स्पर्मिसाइडल फॉर्म और स्पंजन फिल्म तो सभी क्या होगा बैरियर मैथड होगा एक्सेप्ट में क्या इनके अलावा रहा होगा वो आपका आंसर होना चाहिए नेक्स्ट नेचुरल मैथड ऑफ फैमिली प्लानिंग तो नेचुरल मैथड क्या है फैमिली प्लानिंग की ट्यूबेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमियन ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल एंड इन मेल नेक्स्ट आया था व्हाट इज द आरएनए वायरस एक्सेप्ट तो सभी आरएनए वायरस हैं किसी एक को छोड़कर तो जो नेक्स्ट आया होगा वो क्या होगा डीएनए वायरस नेक्स्ट आया था व्हाट इज द थ्रामोसाइटोपनिया थ्रामोसाइटोपनिया का मतलब क्या होता है लो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड क्या होगा लो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड ब्लड नेक्स्ट राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टोटल एट राइट्स होते हैं तो किसी एक को छोड़ आया था कॉलर बोन का दूसरा नाम क्या है क्लेविकल तो ये हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है इसका ऑलरेडी आपको वीडियो में दे चुकी हूँ कुछ रिमेनिंग जो मेरे पास नहीं थे वो आ गए हैं तो वो क्वेश्चन भी आपको दे दिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे एम पी सी एच ओ दो हज़ार इक्कीस एग्जाम डेट सत्ताईस जून आज ही की सेकेंड शिफ्ट का पेपर है ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पर भी फोर्टी प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पिल्स आर प्रजेंट इन माला डी एंड हाउ मैनी कॉन्ट्रासेप्टिव एंड आयरन पिल्स तो जो माला डी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं तो इसमें हॉर्मोनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं वो ट्वेंटी वन और uh, जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं वो कितनी है ट्वेंटी वन और सेवन कितनी है आयरन पिल्स तो टोटल मिला के तीस टेबलेट यहाँ पर प्रजेंट रहेंगी नेक्स्ट है सुमन स्कीम इज़ लॉन्च इन विच बाय ऑफ द फॉलोइंग तो सुमन स्कीम क्या है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन स्कीम क्या है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन स्कीम है जो कि इनिशिएट लिया गया था किसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिससे जीरो uh, क्या रहे मेटरनल एंड न्यू डेथ को रोका जा सके मेटरनल डेथ न्यूबोर्न डेथ को रोका जा सके इसीलिए एक योजना लाई गई थी उसका नाम क्या था सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन स्कीम और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी नेक्स्ट है अजंता एल्यूरा इज इन विच स्टेट तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं तो ये है महाराष्ट्र में नेक्स्ट इन विच स्टेट फाइव रिवर्स मीट तो कौन सा स्टेट है जहाँ पर पांच नदियाँ मिलती हैं लैंड ऑफ फाइव रिवर्स कहा जाता है तो क्या है पंजाब पंजाब को लैंड ऑफ फाइव रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर टोटल पांच नदियाँ मिलती हैं संगम होता है नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ डे इन विच डे तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम हर साल कब मनाते हैं सात अप्रैल को सेवेंथ अप्रैल नेक्स्ट कुचिपुड़ी अ क्लासिकल डांस डांस ऑफ विच स्टेट तो दो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में तमिलनाडु का क्लासिकल और फोक डांस आया था सेकेंड शिफ्ट में कुचिपुड़ी आया है जो कि आंध्र प्रदेश का है क्लासिकल डांस दोनों साउथ स्टेट से क्वेश्चन लिए गए हैं डांस को लेकर नेक्स्ट आया था पोलियो साक इज गिवन बाय विच रूट तो पोलियो साक है जो जनरली जो वैक्सीन है आई वैक्सीन है जो तो सेवन है ओरल दी जाती है और पोलियो साक है इंट्राडर्मल रूट के थ्रू या फिर कभी कभी इंट्राडर्मल की जगह इंट्रामस्कुलर भी दे दी जाती है तो आपको याद रखना है नेक्स्ट इज विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड तो कौन सी ग्रंथि है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करती है तो वो है पेंक्रियाज नेक्स्ट है अदर ने वो बूफिंग कफ बूफिंग कफ का दूसरा नाम क्या है पर्ट्यूसिस और हंड्रेड डेज कफ सौ दिन की खांसी या फिर पर्ट्यूसिस जो कि मोस्टली लेस देन टू ईयर एज ग्रुप के बच्चों को अफेक्ट करती है नेक्स्ट है एडलोसैन प्रोग्राम इज लॉन्च इन विच ईयर तो एडलोसैन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था तो एडोलोसेंट प्रोग्राम से यहाँ पर मतलब है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है यहाँ पर आर के प्रोग्राम तो एडोलोसेंट हेल्थ प्रोग्राम है जो कब लाया गया था यह आया था सात जनवरी दो को और इसका जो आर के प्रोग्राम आया था तो यहाँ पर जो एडोलोसेंट हेल्थ प्रोग्राम है इसी के लिए क्या कहा गया है आर बी एस के प्रोग्राम आप चाहें तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं तो एडलसेंट हेल्थ प्रोग्राम कब आया था तो एडलसेंट हेल्थ प्रोग्राम है जो क्या है आर के एस के प्रोग्राम सॉरी ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं है ये आर के एस के प्रोग्राम राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम तो जो एडलसेंट हेल्थ प्रोग्राम आया था ये कब आया था ये आया था सात जनवरी दो को नेक्स्ट व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिप्थीरिया तो डिप्थीरिया के लिए डीओसी है वो क्या है पेनिसिलिन रेथ्रोमाइसिन मोस्टली रेथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन यूज की जाती है ने कैसा बेपको इमेज नेक्स्ट विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ कैंसर सभी ऑप्शन थे जो कैंसर को थे जो एक सेपरेट uh, ऑप्शन था क्वेश्चन है यहाँ पर कि कैंसर का टाइप नहीं है तो क्या है ग्लूकोमा नेक्स्ट एल्बेंडाजोल टैबलेट इज गिवन इन विच एज तो एलवेंडाजॉल टेबलेट किस एज में दी जाती है तो वन ईयर तक की एज ग्रुप में तो नहीं दी जाती है उसके बाद स्टार्ट कर दी जाती है नेक्स्ट है वेरियोला वायरस कॉजिज विच डिसीज तो वेरियोला वायरस कौन सी डिसीज कॉज करता है तो वेरियोला वायरस किसका पॉजिटिव एजेंट है तो वेरियोला वायरस है पॉजिटिव एजेंट स्मॉल पॉक्स का नेक्स्ट है विच इम्यूनोग्लोबुलिन कंट्रोल द एंट्रिक फीवर इन चिल्ड्रन कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो एंट्रे फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो आई और आई दोनों हो सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं है नेक्स्ट व्हाट इज़ द फर्स्ट प्यूबर्टी साइन इन गर्ल्स तो यदि गर्ल्स में होगा तो फर्स्ट प्यूबर्टी साइन क्या है ब्रेस्ट बर्डिंग होगा गर्ल्स में यदि मेल में होता तो टेस्टिकुलर डेवलपमेंट होता तो यहाँ पर फर्स्ट प्यूबर्टी साइन क्या है ब्रेस्ट बर्डिंग नेक्स्ट है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक हम कब मनाते हैं लास्ट वीक ऑफ अप्रैल जो अप्रैल का आखिरी हफ्ता होता है लास्ट वीक होता है उसमें हम वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को सेलिब्रेट करते हैं नेक्स्ट है सेफ इज़ रिलेटेड टू तो सेफ़ क्या है सेफ स्ट्रेटजी जो कि ट्रोकोमल ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल होती है सेफ रिप्रेजेंट द सर्जरी ए रिप्रेजेंट द एंटीबायोटिक एफ इज़ फेशियल क्लिनलीनेस और ई रिप्रेजेंट द एनवायरमेंटल चेंजेस ठीक है सेफ है स्ट्रेटेजी है जो कि ट्रोकोमा के लिए लाई गई थी इससे ब्लाइंडनेस को रोका जा सके नेक्स्ट ऑल आर नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड एक्सेप्ट सभी नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है इसी एक को छोड़कर तो यहाँ पर जो नाम दिए हैं सभी नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड हैं एस्टेनेस ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड कंटिन्यूस इंट्रप्ट विड्रावल और पुलिंग आउट मेथड तो ये सभी क्या है नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है नेक्स्ट है एल्वेंडाजोल इज गिवन हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर तो एक साल में कितनी बार एल्वेंडाजोल दी जा सकती है दो तो बार यहाँ पर 400 है नेक्स्ट है विच इज द रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न न्यूबॉर्न में हाइपोथर्मिया uh, के होने का रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है ऑप्शन में पोस्ट प्री टर्म टर्म बेबी या फिर डी एन अवधि अब, अब तो हाइपोथर्मिया होने का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं प्री फ्रीडम बेबी जिनकी डिलीवरी कब हो गई हो बिफोर थर्टी सेवन कम्प्लीटेड वीक्स ऑफ जेस्टेशन के पहले डिलीवरी हो गई हो तो वो बेबीज किस में आएंगे हाइपोथर्मिया की कंडीशन होने के चांसेस उनको ज़्यादा रहेंगे नेक्स्ट है विटामिन ए डोज कैन गिव इन टिल द एज ऑफ तो विटामिन ए का डोज फिफ्टी नाइन मंथ की एज दे सकते हैं हम तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा बी फाइव ईयर नेक्स्ट है राइस वाटर स्टूल इज़ द क्लासिकल साइन ऑफ विच डिसीज़ तो राइस वाटर स्टूल किस में देखने को मिलता है कोलेरा में नेक्स्ट फर्स्ट सक्सनिंग इज डन बाय माउथ देन द नोज इसका क्वेश्चन पता नहीं था कि लाइन भेजी गई तो ये यहाँ पर सही है पॉइंट कि पहले सक्सनिंग माउथ से की जाती है आफ्टर दैट नोज से ताकि एक्सप्रेशन को प्रिवेंट किया जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय तो बॉडी का टेम्परेचर हमारी सॉरी बॉडी टेम्परेचर हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है तो वो हाइपोथैलेमस जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है नेक्स्ट है ग्लूकोकॉइड एंड मिनरलो कॉर्टिकॉइड सीक्रेटेड बाय तो ये दोनों हार्मोन कहाँ से रिलीज किए जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलो कॉर्टिकॉइड नेक्स्ट है हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अपर लिम तो अपर लिम में टोटल कितनी बोन्स होती हैं सिक्सटी फोर नेक्स्ट है कंजेनाइटल डिफेक्ट चाइल्ड बाय विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इसके ऑप्शन पता नहीं थे ओनली क्वेश्चन है तो इसके ऑप्शन भी मुझे पता नहीं है नेक्स्ट एनिमा इज गिवन बाय विच पोजीशन तो एनिमा जनरलिम्स पोजिशन एफ लेफ्ट लेटरल पोजीशन से दिया जा सकता है नेक्स्ट है इन्फेंट इनक्यूबेटर इमेज इस तरीके से इमेज आई थी नेक्स्ट है एलिस फोरसेप्स चिकनगुनिया इज कॉस्ड बाय विच तो चिकनगुनिया मॉस्क्यूटो वाइट के द्वारा होता है नेक्स्ट है इन प्रधानमंत्री मातृत्व तो योजना फॉर द सेफ डिलीवरी हू टेक्स द प्रेग्नेंट वुमेन टू द हॉस्पिटल प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत सेफ डिलीवरी के लिए प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्पिटल तक कौन लेके जाता है इसके ऑप्शन भी पता नहीं है एक क्वेश्चन और था इमेज सिंस लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट वैक्सीन शुड बी एट व्हाट टेम्परेचर तो अलग अलग वैक्सीन के लिए टेम्परेचर अलग अलग होता है बट जो मोस्टली वैक्सीन है वो दो से आठ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर की जाती हैं नेक्स्ट है द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ डिलीवरी के टाइम पर मैटरनल डेथ का मुख्य कारण क्या है तो वो हैमरेज और पोस्टपार्टम ब्लीडिंग नेक्स्ट बिच प्रोग्राम इज लॉन्च इन नाइनटीन सेवेंटी में कौन सा प्रोग्राम आया था नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष रिलेटेड विथ मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेट करता है चाइल्ड वैक्सीनेशन से आई होप आपके सभी क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज़ द मदर फर्स्ट मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी इज़ तो बेबी डिलीवर होने के बाद जो फर्स्ट मिल्क सीक्रेट होता है वो क्या कहलाता कहला है वो कहलाता है कोलेस्ट्रम नेक्स्ट है पेंटावाइलेंट वैक्सीन इज गिवन इन बेचेज तो पेंटावाइलेंट वैक्सीन थ्री टाइम्स दी जाती हैं एट द सिक्स वीक्स टेन वीक्स एंड फोर्टीन वीक्स एवरी फोर वीक्स के गैप में देके वैक्सीन दी जाती, पेंटावेलेंट वैक्सीन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सभी मोड है एच आई वी ट्रांसमिशन के लिए हाइएस्ट मोड है इनसे बहुत ज्यादा खतरा रहेगा एच आई वी ट्रांसमिट होने का किसी एक को छोड़कर ऑप्शन में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट सेविंग ब्लेड सलाइवा व एफ ब्लड ट्रांसमिशन तो जो हाईएस्ट चांस है वो तो सेक्सुअल कांटेक्ट और ब्लड ट्रांसमिशन है बट यहाँ पर पूछा है कि जो नहीं है तो क्या सलाईवा से ट्रांसमिट होने के चांसेस कम होंगे नेक्स्ट बीच मेमब्रेन इज फाउंड बिटवीन एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर तो एक्सटर्नल और मिडिल ईयर के बीच में जो एक मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है टिम्पेनिक मेमब्रेन और ईयर ड्रम तो इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास सेकेंड शिफ्ट के जिनके पास भी क्वेश्चन हो वो लोग भेज सकते हैं सो आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट के एटलीस्ट हंड्रेड प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कॉल बिल्कुल भी ना करें स्पेशली रात के दस बजे के बाद बाइज थैंक यू फॉर वॉचिंगस बाय बाय गुड नाइट